गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है रिकर्जन। तो रिकर्जन के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा आपको फंक्शंस का बेसिक बताता हूँ, क्योंकि रिकर्जन जो टॉपिक है वो बेस्ड है फंक्शंस के ऊपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा फंक्शंस के, और मैं सबसे पहले आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और उस एग्जाम्पल को कंसंट्रेट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको इस एग्जाम्पल का जो लॉजिक है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। आपको एग्जाम्पल का लॉजिक एक्सप्लेन करना है। ओके, सो इरेजर से पहले से रब कर लेते हैं। ओके, तो हमारा जो मेन कंसर्न है, एक मेथड बनाना, सिंपल सा मेथड, वॉइड वॉइड मेन। एक हमने एक मेथड क्रिएट किया। इस मेथड के अंदर हमने एक मेथड डिस्प्ले को कॉल किया। मैं रफ कोड कर रहा हूँ सी लैंग्वेज का। एक डिस्प्ले को कोड किया, डिस्प्ले, ये एक मेथड कोड हुआ। हम इसे फंक्शन की कॉलिंग कहते हैं। फंक्शन डिस्प्ले को कॉल किया, यहाँ पे डिस्प्ले की हमने बॉडी लिख दी वॉइड डिस्प्ले। सेकेंड, तो डिस्प्ले मेथड की हमने बॉडी लिखी, और डिस्प्ले मेथड की बॉडी लिखने के बाद इसके अंदर हमने एक सिंपल सी स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ के अंदर हमने मेथड डाल दिया हाई। सिंपल सा मेथड है। अभी कंसंट्रेट कीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले मेन मेथड कॉल हुआ। मेन मेथड कॉल होने के बाद मेन मेथड के अंदर से हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। ये डिस्प्ले मेथड की बॉडी है, और डिस्प्ले मेथड की बॉडी जब कॉल हुई तो कंट्रोल गया डिस्प्ले के पास, और हमारे सामने हमारा आउटपुट हाई आ गया। ओके, यानी कि मेन मेथड के अंदर से हमने डिस्प्ले मेथड कॉल किया। अगर मैं एक और छोटा सा एग्जांपल कोड करूं, तो फॉर एग्जांपल हमने मेन मेन मेथड से फॉर एग्जांपल एक मेथड M1 कॉल किया, M1 कॉल किया, ठीक है, M1, और यहाँ पे M1 की बॉडी दे देते हैं। M1 की बॉडी के अंदर M2 कॉल किया, ठीक है, मैं एक मेथड के अंदर से दूसरे मेथड कॉल कर रहा हूँ। M2 कॉल किया, और M2 के अंदर से हमने यहाँ पे हमने M2 की बॉडी दे दी। और M2 की बॉडी देने के बाद यहाँ पे मान लीजिए कोई मैसेज हाई प्रिंट करा दिया। ओके, अब थोड़ा इसकी वर्किंग समझिएगा। ओके, तो इसकी वर्किंग में हम कंसंट्रेट करेंगे कि हमने तीन मेथड यूज़ किए हैं। पहला मेथड है हमारा खुद मेन। मेन के अंदर से हमने एक M1 मेथड कॉल किया, और M1 मेथड के अंदर से हमने M2 मेथड कॉल किया, और M2 मेथड के अंदर से हमने सिंपल हाई को प्रिंट कराया, ठीक है। अगर आप फंक्शंस को समझते हैं तो आपकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, फंक्शंस स्टैक के अंदर स्टैक की टर्मिनोलॉजी से ऑपरेट होते हैं। ओके, जो ये फंक्शन स्टैक की टर्मिनोलॉजी से ऑपरेट होते हैं, तो सबसे पहले जो मेथड, देखिए, जो मेन के अंदर जाएगा, स्टैक के अंदर जाएगा, ये हमारा एक स्टैक है, मैंने एक सैम्पल स्टैक बना दिया। इस स्टैक के अंदर से जो मेथड सबसे पहले सेव होगा या इसमें जाएगा वो है मेन। उसके बाद जो मेथड जाएगा वो है M1। लास्ट में सबसे पहले जो मेथड जाएगा वो है M2। ओके, स्टैक का क्या ऑपरेशन है? स्टैक एक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपके लिए बस इतना समझना फिलहाल जरूरी है, हम स्टैक के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ये इम्पोर्टेंट बात है कि मेन सबसे पहले कॉल हुआ था, ठीक है, मेन के बाद M1, M1 के बाद M2, लेकिन सबसे पहले M2 खत्म होगा, M2 एंड होगा, M2 के बाद M1, और M1 के बाद मेन। यानी कि जो मेथड सबसे लास्ट में आया था, M2 सबसे लास्ट में आया था, वो सबसे पहले एंड होगा। इस तरीके से ये फंक्शंस की कॉल चलती हैं,
ठीक, ये हो गया नॉर्मल फंक्शंस के बारे में। अब मैं डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ रिकर्जन पे, और अपनी इस थ्योरी को जो अभी तक मैंने बताया इससे आपको कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप, मैं फर्स्ट एग्जांपल के ऊपर लेके चलता हूँ। अभी जो हमने बनाया मेन के अंदर से, हमने एक डिस्प्ले मेथड कॉल किया और डिस्प्ले मेथड से हमने हाई को प्रिंट कराया। पर ऐसा हो सकता है क्या कि हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करने के बजाय मैं मेन के अंदर से मेन को ही कॉल कर लूं, या डिस्प्ले के अंदर से डिस्प्ले को ही कॉल कर लूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? लेट्स चेक। तो एक बार हम स्क्रीन को थोड़ा वाइप आउट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इस कोड को वेरीफाई करते हैं। क्या ये ऐसा पॉसिबल है? तो देखिएगा बच्चे, मैं आपके लिए यहीं पे, चलिए यूज़ करता हूँ एक और एरिया, और इस एरिया पे कंसंट्रेट करिएगा जो अभी हमने नीचे ड्रॉ किया है। हम क्या काम कर रहे हैं, एक कोड देखिएगा, सिंपल सा हमने एक मेन लिखा, मेन मेथड। इस मेन मेथड के अंदर हमने प्रिंट कराया प्रिंट एफ, हमने प्रिंट कराया हेलो, ठीक है, प्रिंट कराया हेलो, और उसके बाद हमने मेन मेथड को ही दोबारा कॉल कर लिया। यानी डिस्प्ले या किसी और मेथड को कॉल करने के बजाय हमने मेन मेथड को ही कॉल कर लिया। तो एक सेकेंड के लिए आप पॉज लीजिए, सोचिए, एंड आप जवाब दीजिए कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। मेन मेन के अंदर हमने हेलो प्रिंट किया, और हेलो के बाद मेन मेथड को कॉल कर लिया। ओके, मेन मेथड हेलो प्रिंट हुआ, और उसके बाद मेन मेथड दोबारा कॉल कर लिया। अब अगर आप प्रोग्राम का फ्लो समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आउटपुट एक इनफाइनाइट लूप है जो कि हेलो को प्रिंट कर रहा है। इनफाइनाइट लूप का मतलब है ये प्रोग्राम कभी टर्मिनेट नहीं होगा जब तक कि आपकी रैम या उसकी कैपेसिटी फुल ना हो जाए। अब ये चल कैसे रहा है, तो चलने का स्टेप में बात करेंगे। सबसे पहले मेन स्टार्ट होगा। मेन जैसे ही स्टार्ट हुआ, आपके लिए पहली बार हेलो प्रिंट किया। हेलो प्रिंट करने के बाद इसने फिर से मेन को कॉल कर लिया। अब मेन क्या है, मेन एक फंक्शन कौन सा, खुद ही है। तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, डायरेक्टली जंप हो जाएगा यहीं पे। अब ये फिर से चल पड़ेगा, ये फिर से चल पड़ेगा, तो प्रिंट एफ के अंदर हेलो कॉल होगा, हेलो प्रिंट होगा, तो फिर एक बार फिर से मेन कॉल हो जाएगा। यानी फर्स्ट, अगर मैं इसको लाइन नंबर 1 कहूँ और नीचे वाली मेन में मेन को लाइन नंबर 2 कहूँ, तो लाइन नंबर 1 चलने के बाद लाइन नंबर 2 ऑटोमेटिकली स्टार्ट करता है मेन मेथड को, और उससे फिर लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 2, फिर लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 2। इस वजह से ये एक इनफाइनाइट लूप बनता है। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि मेन मेथड के अंदर से हम मेन को ही कॉल कर रहे हैं। अगर एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो सिंपली कहलाता है रिकर्जन। दिस इज द रिकर्जन। तो व्हाट इज द रिकर्जन? अ रिकर्जन इज अ फंक्शन इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड अ रिकर्जन। एज सिंपल एज दैट। तो अभी हमने आपके लिए डिस्कस किया और आपको बताया व्हाट इज अ रिकर्जन। अब बात करते हैं सिंपल डेफिनेशन जो भी मैंने बताई। समटाइम द बेस्ट वे टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज बाय सॉल्विंग अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम फर्स्ट। व्हाट इज द मीनिंग कि अगर आपको रिकर्जन का कब यूज है, बट या व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द रिकर्जन, कि आप अपनी प्रॉब्लम के स्मॉलर वर्जन को सॉल्व कीजिए और उसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते जाइए, जिससे कि आप मेजर या बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और ये बेनिफिट, ये काम इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो वे बताता है वो कहलाता है, वो किसकी मदद से बनता है, वो बनता है रिकर्जन की मदद से। तो रिकर्जन में हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि हम स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते, मेजर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को अचीव करते हैं, जो कि एक कंसेप्ट है जिसकी मदद से हम ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को भी अचीव कर पाते हैं इजिली। क्यों? क्योंकि हमने स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करी। सो रिकर्जन इज ए टेक्निक दैट सॉल्व अ प्रॉब्लम
बाय सॉल्विंग ए स्मॉलर सब प्रॉब्लम ऑफ अ सेम टाइप। ठीक है, छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अचीव करना, ताकि हमें सेम कोड अगेन एंड अगेन ना करना पड़े, वो टेक्निक कहलाती है हमारी रिकर्जन, जिसके अंदर एक ही मेथड को हम कॉल करते हैं अगेन, सेम मेथड खुद को कॉल करता है। ये कंसेप्ट रिकर्जन के अंदर एप्लीकेबल होता है। अब ये एक एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन किया है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के एग्जाम्पल की मदद से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यार कैसे रिकर्जन काम करता है। तो यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, अगर आप इस पर कंसंट्रेट करेंगे, तो पहले मैं आपको एक बार एग्जाम्पल समझा देता हूँ, और एग्जाम्पल किस चीज़ का है, एग्जाम्पल है फैक्टोरियल का। तो सबसे पहले क्वेश्चन, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल किसी भी नंबर का उससे मल्टीप्लाई करना तब तक जब तक 1 आपका अचीव ना हो जाए, यानी कि 5, देन लेस एक नंबर मल्टीप्लाई करना 4, देन मल्टीप्लीकेशन 3, देन मल्टीप्लीकेशन 2, देन मल्टीप्लीकेशन 1, दैट इज द रिजल्ट और आउटपुट ऑफ अ 5 फैक्टोरियल। ओके, सो दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ अ 5। तो 5 का फैक्टोरियल सोल्व हो गया। अब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल सोल्व करना है, तब आपको सिंपली एन फैक्टोरियल, अगर हमें एन का फैक्टोरियल सोल्व करना है, तो एन फैक्टोरियल आपका हो गया एन इंटू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एन माइनस 2, देन मल्टीप्लाई बाय अप टू 1। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ अ फैक्टोरियल। तो हम अपने इस एग्जाम्पल में फैक्टोरियल के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन, और आप देखिएगा कि फैक्टोरियल की प्रॉब्लम को किस तरीके से रिकर्जन से सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए फंक्शन बनाया गया है फैक्ट नाम से, जिसके अंदर एक आर्गुमेंट पास किया है जो कि इंटीजर टाइप का है। आर्गुमेंट का नाम है एन वेरिएबल। फैक्ट एक मेथड है जिसका रिटर्न टाइप इंट है, यानी कि ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मान लीजिए एन की वैल्यू 5 ही है, मैं एग्जांपल में एन की वैल्यू 5 ही कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक मेथड है जो कहाँ से कॉल किया गया होगा, मेन मेथड या किसी और मेथड की मदद से हमने फैक्ट को कॉल किया है। तो फैक्ट जब कॉल हुआ, तो उसके साथ एक आर्गुमेंट आया, मान लेता हूँ मैं वो आर्गुमेंट 5 है। सॉरी, एल्गोरिथम स्टार्ट होता है, हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होता है। सो एन की वैल्यू 5, और 5 वैल्यू आई सबसे पहले, तो कंडीशन चेक हुई, इफ एन इक्वल टू 0 और दिस इज सिंबल ऑफ और, एन इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1। मतलब अगर एन की वैल्यू 0 है या एन की वैल्यू 1 है, तो 1 रिटर्न कर दो, यानी कि रिजल्ट 1 आएगा। तो नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ अ फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो दोनों का ही चेक कर लिया गया, और अगर चेक किया गया 0 है या 1 है, तो रिजल्ट 1 आ गया, कैलकुलेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर नंबर इन दोनों से अलग है, यानी 0 नहीं है और 1 भी नहीं है, तो एल्स केस चलेगा। इफ नहीं चला तो ऑटोमेटिकली एल्स केस चलेगा। एल्स केस कैसे चलेगा, ध्यान दीजिएगा, एन इन टू, एन क्या है, जो नंबर, मान लीजिए हमारा नंबर हमारे केस में है 5, 5 इंटू फैक्ट, फैक्ट हमारा मेथड का नाम ही फैक्ट है, हमारे मेथड का नाम है फैक्ट, और फैक्ट के अंदर जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट है 4। तो फैक्ट के अंदर हमने आर्गुमेंट डाला एन माइनस 1, हमारे केस में एन की वैल्यू 5 थी, तो एन माइनस 1 4, दिस इज द फंक्शन। अब आपको ये देखना है कि ये काम कैसे कर रहा है। तो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसंट्रेट कीजिएगा, यहीं पे रिकर्जन को एक्सप्लेन करेंगे। तो 5 इंटू फैक्ट 4, अब देखिए ये फंक्शन, ये स्टेटमेंट तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास फैक्ट 4 की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और फैक्ट 4 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें अभी पता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो एक फंक्शन है ना, और ये फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, अगेन खुद को। तो देखिएगा, हमारे फंक्शन का नाम है फैक्ट, और फैक्ट से ही फैक्ट को कॉल कर लिया,
बट पहले आर्गुमेंट 5 था और इस बार आर्गुमेंट 4 है। अब क्या होगा इस पे कंसंट्रेट करिएगा। जैसे ही फैक्ट को कॉल करता है, मेमोरी के अंदर एक और फंक्शन की कॉल स्टार्ट हो जाएगी विद आर्गुमेंट, यानी कि मेमोरी के अंदर आप ऐसे समझ सकते हैं एक और फैक्टोरियल बट आर्गुमेंट उसका 4 है, ये कॉल हो जाएगा। ठीक, जब ये कॉल हो जाएगा तो फिर से इसके अंदर भी सेम कोडिंग है, यानी सेम इसकी मैसेज बॉडी है, इफ एन इक्वल टू 0 एन इक्वल टू 1 रिटर्न 1। अब इफ केस तो ऑब्वियस सी बात है नहीं चलेगा क्योंकि एन की वैल्यू 4 है, तो एल्स चल गया। एल्स में क्या लिखा था, एल्स में अगेन सेम स्टेटमेंट, रिटर्न रिटर्न एन, एन की वैल्यू क्या है 4 इंटू फैक्ट फैक्ट एन माइनस 1, फैक्ट क्या है 4, तो 3 एन माइनस 1 3, ये फंक्शन की कॉल लग गया। अब आप इसे भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसे क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि अभी आपको फैक्ट 3 की वैल्यू नहीं पता, तो फैक्ट 3 फिर से एक और फंक्शन कॉल कर देगा। ठीक है, फैक्ट 3 एक और फंक्शन कॉल कर देगा कुछ इस तरीके से, फैक्ट 3 एक और फंक्शन कॉल करेगा और इसके अंदर भी सेम इफ केस चलेगा नहीं और एल्स में रिटर्न होगा, और रिटर्न में क्या हो जाएगा, रिटर्न रिटर्न के अंदर सेम मेथड, रिटर्न 3 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट, और फैक्ट की वैल्यू क्या है इस बार हो जाएगी, फैक्ट की वैल्यू मैं फैक्ट को एफ ही लिख देता हूँ, 3 माइनस 1 2। ओके, ऐसे कह सकते हैं। इससे अगेन क्या होगा, इससे एफ ऑफ 2 से अगेन एक मेथड कॉल हो जाएगा, अगेन एक मेथड कॉल हो जाएगा और अगेन फैक्ट 2 कॉल हो जाएगा, और फैक्ट 2 के अंदर सेम बॉडी सेम रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, सेम रिटर्न स्टेटमेंट मैं आपको जगह बनाने के लिए थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी कोडिंग, अगेन सेम रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न 2 इंटू फैक्ट 1। अब फैक्ट 1 फिर से कॉल कर जाएगा, देखिए इतनी सारी अलग अलग कॉल्स चले जा रही हैं, यही कंसेप्ट है रिकर्जन का। ठीक, अगेन कॉल हुआ, लेकिन इस बार ध्यान दीजिए एन की वैल्यू क्या है 1, तो जब आपका फैक्ट 1 कॉल होगा तो कंडीशन इफ की मैच करेगी, ये फर्स्ट टाइम है जब आपके केस में इफ की कंडीशन मैच कर गई। इफ की कंडीशन मैच करते ही जवाब जाएगा रिटर्न 1 रिटर्न 1। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट बात, रिटर्न 1 क्योंकि एन की वैल्यू 1 है, 1 मैच हो गया और रिटर्न 1। अभी 1 किसको रिटर्न कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हम फैक्ट मेथड को ओपन करते जा रहे थे, यानी पहले आप स्टेटमेंट समझेंगे तो पहले 5 इंटू फैक्ट 4, फैक्ट 4 क्या बन गया 4 इंटू फैक्ट 3, फैक्ट 3 क्या बना 3 इंटू फैक्ट 2, फैक्ट 2 क्या बना 2 इंटू फैक्ट 1, ये आपको स्क्रीन में यहाँ दिख रहा होगा। तो जब 2 इंटू फैक्ट 1 बना तो हमने क्या करना है, ये जो रिटर्न 1 स्टेटमेंट पे फोकस करना है, रिटर्न 1 ये रिटर्न किसको हो रहा है, किसी भी फंक्शन की वैल्यू उसके पास रिटर्न होती है जिसने उस फंक्शन को कॉल किया हो। फैक्ट 1 को किसने कॉल किया आपको ये बात समझनी है, फैक्ट 1 को कॉल किया गया है फैक्ट 2 इंटू फैक्ट 1, यानी इस वाले मेथड से। जब ये फैक्ट 1 कॉल किया तो रिटर्न 1 हो गया, और जब रिटर्न 1 हुआ तो रिटर्न 1 इसके पास जाएगा, यानी कि आप इन शॉर्ट कह सकते हैं फैक्ट 1 की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 1 में, फैक्ट 1 की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 1 में, क्योंकि फैक्ट 1 की वैल्यू हो गई 1 क्योंकि रिटर्न हुआ है 1। इस तरीके से मेथड कॉल करता है, ये मेथड काम करते हैं। अब 2 इंटू 1 होगा तो 2 इंटू 1 क्या होगा, रिजल्ट आएगा 2, तो ये 2 किसके पास जाएगा, अब जिसने इस वाले मेथड को कॉल किया हो, इसको किसने कॉल किया था फैक्ट 2 ने, फैक्ट 2 के पास हमारा रिजल्ट रिटर्न होगा, तो 2 इंटू 1 आपका रिजल्ट आया था 2, रिटर्न हुआ यहाँ पे, और अब इस फंक्शन की वैल्यू जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसकी वैल्यू हो गई 2। अब क्या होगा, नया नंबर मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6, अब 6 रिटर्न हो रहा है, 6 किसको रिटर्न हो रहा है
फैक्टोरियल थ्री को रिटर्न हो रहा है, फैक्टोरियल थ्री को क्या रिटर्न हुआ, सिक्स, मल्टीप्लाई में क्या था, वेट क्या कर रहा था, फोर, तो सिक्स इंटू फोर क्या हुआ, 24, 24 किसको रिटर्न हुआ, फैक्टोरियल फोर को, फैक्टोरियल फोर का इसका मतलब रिजल्ट क्या आ गया, 24, ठीक है, और 24 मल्टीप्लाई बाई फाइव, अब इसका रिजल्ट आएगा 120, ओके, यानी कि फाइव का फैक्टोरियल आ गया आपका 120। इस तरीके से ये फैक्टोरियल काम करता है, और आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, आपको फोकस इस चीज़ पे करना है कि कैसे ये फंक्शन कैलकुलेट हो रहा है, ओके, कैसे ये फंक्शन कैलकुलेट हो रहा है इस पे ध्यान देना है, कैसे कैसे अनवाइंडिंग हुई है मेथड की, एक के बाद एक मेथड कॉल हुए हैं। अगर आप इस प्रोसेस को समझते हैं तो आप देखेंगे एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन बहुत लेट जाके हुआ है, यानी कि जब रिटर्न वन हुआ, और रिटर्न वन होने का क्या मतलब है, इसको आप फोकस करिएगा बात को, तो रिटर्न वन होने का मतलब है अब हमने फर्दर रिकर्जन नहीं करना है, रिकर्जन एंड हो गया, तो जब भी रिकर्जन के अंदर से आप नॉर्मल रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जो कि विदाउट रिकर्जन होता है, विदाउट फंक्शन कॉल होता है, तो आप समझ जाइए दिस इज द एंड ऑफ द रिकर्जन। अब यहाँ से जो आप अभी तक हमने जो भी फंक्शन ओपन किए थे उनका क्लोज होने का वक्त आ गया है, और ये क्लोज जैसे मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बताए स्टैक की तरीके से होते हैं, यानी कि जो सबसे पहले कौन आया वो सबसे लास्ट में जाएगा, जो सबसे लास्ट आया वो सबसे पहले वापस जाएगा। इस प्रोसीजर को स्टैक अनवाइंडिंग कहते हैं, और इस तरीके से आपका स्टैक रैप अप होगा। ये तरीका जो काम कर रहा है ये है रिकर्जन का, आपको ये समझना है रिकर्जन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट किस तरीके से बैकग्राउंड के अंदर, क्योंकि आपको सामने ये कोड नहीं दिख रहा है इसलिए टर्म यूज़ कर रहा हूँ, बैकग्राउंड के अंदर फंक्शन एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, ओके। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट बात, अब आपको फोकस कराते हैं इसी चीज़ के, एक इमेज गिवन है आपके सामने और थोड़ा सा आपको बेहतर समझ आएगा कैसे कॉल कर रहे थे। आपने देखा ही कि रिटर्न फाइव, फाइव का फैक्टोरियल फोर, तो फाइव इंटू फोर, अब ये खुद सॉल्व नहीं हुआ है बच्चे, पहले इसने किसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, फैक्टोरियल फोर क्या होगा, फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री क्या होगा, थ्री इंटू फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू क्या होगा, टू इंटू फैक्टोरियल वन, ठीक है, तो फैक्टोरियल वन का रिजल्ट क्या आएगा, वन, तो जब ये वन रिजल्ट आएगा ये रिटर्न होगा इसको, ओके, इसका रिजल्ट टू किसको रिटर्न होगा, टू रिटर्न होगा इसको, ये सिक्स किसको रिटर्न होगा, सिक्स रिटर्न होगा इसको, 24 किसको रिटर्न होगा, 24 रिटर्न होगा इसको, तो फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा 120, और ये 120 रिजल्ट आपका ही आंसर है फाइव का फैक्टोरियल, ओके। ये एक और सेम चीज को रिप्रेजेंटेशन है दूसरी फिगर की हेल्प से आपको बता रहे हैं, फाइव का फैक्टोरियल ने फाइव इंटू फोर को कॉल किया, फोर ने फोर इंटू थ्री ने, थ्री ने थ्री इंटू टू, इस तरीके से वन इंटू जीरो, आप इसे डायरेक्टली वन फैक्टोरियल को ही यहाँ रैप अप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए वन इंटू जीरो फैक्टोरियल किया गया है और उसके बाद कॉल रैप अप हुई है, इस तरीके से ये आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पे बताया कि वन फैक्टोरियल रिटर्न हुआ, यहाँ पे वन रिटर्न हुआ, यहाँ पे टू रिटर्न हुआ, यहाँ सिक्स, यहाँ 24, यहाँ 120, तो इस तरीके से स्टैक वापस अनवाइंड हुआ, ये कहलाता है रिकर्जन का कंसेप्ट, ओके बच्चे। यहाँ पे एक जनरल एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल है बट इस बार एग्जाम्पल इटरेशन से किया है, यानी कि हमने एक फैक्टोरियल नाम से एक वेरिएबल बनाया, सेम है फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं बट विद द हेल्प ऑफ इटरेशन, यानी कि फॉर लूप, हमने काउंटर को एन तक चलाया और फैक्ट को काउंट से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। आप देखेंगे तो इन द एंड अगर आप फैक्ट को प्रिंट करा लेंगे या फैक्ट को रिटर्न करा लेंगे तो ये आपका फैक्टोरियल निकल आएगा उस पर्टिकुलर नंबर का, ठीक। अब मेन बात यहाँ पे फोकस करने हैं रिकर्जन, आप देखिएगा सुनिए समझिएगा इस बात को ध्यान से, रिकर्जन एक तरफ है, रिकर्जन दूसरी तरफ है आपका इटरेशन, हम इसे इटरेशन बोलते हैं,
रिकर्जन और इटरेशन में दोनों ही केस के अंदर सेम काम होता है। आप ये बात समझ लीजिए, सबसे पहले अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि इन रिकर्जन और इटरेशन विच इज बेटर, तो आंसर है इट्स डिपेंड अपॉन द एग्जाम्पल। ठीक है, रिकर्जन और इटरेशन बोथ सेम ही काम करते हैं, बोथ सेम वर्क। तो इसके लिए भी सेम लाइन आएगी, बोथ सेम वर्क करते हैं दोनों ही। अगर ये दोनों सेम वर्क करते हैं, यानी कि जो प्रोग्राम आप इटरेशन से फॉर लूप की या व्हाइल लूप की मदद से बना सकते हैं, सेम वही प्रोग्राम आप रिकर्जन से बना सकते हैं। जो प्रोग्राम आप रिकर्जन से बना सकते हैं उसी को कन्वर्ट कर सकते हैं आप इटरेशन से, तो ये एक दूसरे का वाइस वर्सा हो गया। अब खाली इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर किसी प्रोग्राम के अंदर ना रिकर्जन है और ना ही इटरेशन है, तो इसका मतलब है उस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट प्रोग्राम विल बी वन। ओके, दैट द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर ना तो इटरेशन है ना ही रिकर्जन है, तो उस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वन होगी। ओके, अब जनरल डिफरेंस कुछ रिकर्जन और इटरेशन के बारे में। इटरेशन कैन बी यूज इन अ प्लेस ऑफ रिकर्जन, आपको मैंने पहले ही बताया। एन इटरेटिव एल्गोरिथम यूजेज अ लूपिंग कंस्ट्रक्ट, अ रिकर्जिव एल्गोरिथम यूजिंग अ ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। ओके, एक में ब्रांचेस की तरह फैक्टर बनते हैं, एक में लूप्स चल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब इम्पोर्टेंट बात, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, समझिएगा। रिकर्जिव सॉल्यूशन आर ओपन लेस एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम एंड स्पेस देन इटरेटिव सॉल्यूशंस। ओके, यानी कि रिकर्जन है वो लेस एफिशिएंट होते हैं बच्चे, आपको सुन के ताज्जुब होगा, बट उनमें टाइम भी कम लग रहा है और स्पेस भी कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है सॉरी, बिकॉज बोथ टाइम एंड स्पेस आपको ज़्यादा लगता है रिकर्जन के केस में। क्यों? क्योंकि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर रिकर्जन के अंदर बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स कॉल होते हैं, और जब भी आप मल्टीपल मेथड्स को कॉल करते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस मेंटेन करना पड़ता है, और इसमें टाइमिंग भी ज़्यादा लगती है मेथड को कॉल करने में, हर एक मेथड को इंटरनली कॉल करने में। लेकिन अगर आप इसको रिकर्जन के अंदर, कहाँ पे फायदा है रिकर्जन का आप ये समझिएगा, रिकर्जन कैन सिंप्लीफाई द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम ऑफन रिजल्टिंग शॉर्टर मोर इजिली अंडरस्टैंड सोर्स कोड। इसका मतलब है वो प्रॉब्लम्स जो सिमिलर सब प्रॉब्लम्स के नेचर को रखती हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने फैक्टोरियल सोल्व कर रहे थे और फैक्टोरियल के अंदर से फैक्टोरियल सोल्व होते जा रहे थे, तो हमने क्या किया, एक बार एक फैक्टोरियल को सोल्व करने का लॉजिक लिखा और उसके अंदर से मल्टीपल टाइम्स फैक्टोरियल को कॉल कर लिया। अब मल्टीपल टाइम फैक्टोरियल को सोल्व कर कॉल करने का क्या एडवांटेज हुआ कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी आपको ज़्यादा कोड देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि कोडर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिकर्जन बहुत बढ़िया है, बट आपका मेमोरी और स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकर्जन बेहतर ऑप्शन नहीं है। ओके, दूसरी चीज, रिकर्जन और इटरेशन में कौन सा बेहतर है, मैंने इसका भी जवाब दिया आपको कि बोथ एल्गोरिथम आर सफिशियंट और सेम इन टर्म्स ऑफ नेचर, इट्स डिपेंड अपॉन द एग्जाम्पल कि आप किस में किसको बेहतर यूज कर पाए। कुछ एग्जाम्पल के अंदर जैसे कि खुद फैक्टोरियल या टावर ऑफ हनोई, जिनमें रिपीटिशन ऑफ टास्क सेम सब प्रॉब्लम की है, वहाँ रिकर्जन बहुत अच्छे से सूटेबल है या बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। बट कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जहाँ पे रिकर्जन ज़्यादा सूटेबल नहीं है या वहाँ पे इटरेशन ज़्यादा सूटेबल है, तो ये आपको देखना है ऐसे प्रोग्रामर कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। जैसे कि फिबोनाची सीरीज,
इसके अंदर से अगर हम इटरेशन करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इटरेशन करते हैं कब, जब एरे की हेल्प से, ठीक है, लेकिन रिकर्जन के अंदर मल्टीपल टाइम सेम कैलकुलेशन हो रही है, तो वहाँ पे फिबोनाची सीरीज के लिए रिकर्जन से बेहतर इटरेशन है अगर आप फिबोनाची सीरीज सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे। सो ये एक एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिए, और ताकि आप ये समझ सकें कि दोनों ही एल्गोरिथम अच्छे हैं। एक किसी एग्जाम्पल के लिए अच्छा है तो दूसरी अप्रोच किसी एल्गोरिथम के लिए अच्छी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज़ अ रिकर्जन, और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।